यस गुड आफ्टरनून टू स्टूडेंट्स। अब चैप्टर सेकंड क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर सेकंड का न्यूमेरिकल परीक्षा बोर्ड का जो अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 का है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, एक षटकोण दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? षटकोण दे रहे हैं और प्रत्येक शीर्ष पर उन्होंने एक समान आवेश दिया है जो कि 5 माइक्रो कूलम है। प्रत्येक पर कितना है? 5 माइक्रो कूलम। तो 5 यहाँ पर भी, 5 यहाँ पर भी, 5 यहाँ पर भी, 5 यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और O से लेकर प्रत्येक शीर्ष की जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को हमने जब मीटर में कन्वर्ट किया तो ये 0.1 मीटर हो गया। ठीक है, अब हमें एक आवेश के लिए हम ऊपर के लिए क्या निकाल लेते हैं? विभव निकाल लेते हैं। तो किसी एक बिंदु के कारण, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विभव, मतलब O पर विभव। तो हमने ये कितना निकाला? 90 ये वैल्यू रखी, फॉर्मूला हमने फॉर्मूला लिखा और वैल्यू पुट की और हमें क्या आ गया आंसर? 4.50 × 10^5 वोल्ट। ये किसके लिए आया था? एक आवेश के कारण। ऐसे कितने आवेश है? 6 है। तो हमने 6 से क्या कर दिया? गुणा कर दिया। जब 6 से गुणा कर दिया तो 27.005 वोल्ट आ गया। लेकिन ये दशमलव को अगर आप इधर लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो इसकी 10^1 प्लस हो जाएगा। तो ये 10^5 क्या हो गया? 10^6। तो 2.7 × 10^6 वोल्ट कुल विभव होगा। इसके कारण भी, इसके कारण, इसके कारण और जितने भी आवेश है उन सबके कारण कुल विभव कितना होगा? 2.7 × 10^6। स्टूडेंट्स, क्लास 12 के स्टूडेंट्स का ये हम हमारे अध्याय 2 विद्युत विभव तथा धारिता का परीक्षा बोर्ड के हम आखिरी प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें 1 से 3 तक मैंने सॉल्व करवा दिए हैं लेकिन उनके वीडियो नहीं बनाए हैं। बट ये चौथा नंबर का क्वेश्चन आप देखिएगा, चौथा नंबर का क्वेश्चन दिया है, एक खोखला गोला है जिसकी त्रिज्या 0.2 मीटर दी हुई है और उस पर आवेश जो उसके अंदर आवेश दिया है वो कितना दिया है? 24 माइक्रो कूलम। तो पहले तो आपको पता है कि आवेश को जैसे खोखले गोले के अंदर रखेंगे सारा आवेश कितना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? सरफेस पर, उसकी सतह पर, उसके पृष्ठ पर क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। अब आपको यह भी पता है कि किसी खोखले गोले के अंदर कुल आवेश कितना होता है? 0 होता है। कुल विद्युत क्षेत्र कितना होता है? 0 होता है। लेकिन कुल विभव 0 नहीं होता है। कुल विभव जो सरफेस पर, मतलब पृष्ठ पर जो होता है वो ही गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर वही होता है। तो सबसे पहले आपको त्रिज्या दी है, इस गोले की त्रिज्या 0.2 मीटर दी हुई है। तो आप क्या करेंगे, इसके दो क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है पृष्ठ पर कितना विभव होगा और दूसरा बोल रहे हैं कोई अंदर कितना विभव होगा। तो सिंपल सी बात है, अंदर तो मैंने बता दिया कि जो पृष्ठ पर होगा वही अंदर होगा। तो आप पहले तो हम पृष्ठ का निकाल लेते हैं और वही की वही वैल्यू को हम यहां लिख देंगे जैसे मैंने ये कैलकुलेट कर लिया है। तो पृष्ठ पर विभव के लिए आपको पता है ये आवेश कैसे भी व्यवहार कर रहा है, बिहेव कर रहा है जैसे वो बिंदु आवेश हो। तो बिंदु आवेश के लिए विभव किसी दूरी r पर क्या होता है? 1/4πε0 q/r। देखिए 1/4πε0 का मान कितना था? 9 × 10^9 और q का मान कितना था? 24×10^-6 और नीचे कितना था? 0.2। लेकिन 0.2 के लिए डेसिमल एक हटाई तो एक जीरो हमें यहां लगाना पड़ा। जब इनको सॉल्व किया तो ये 1080.0 × 10^3 आ रहा था। जब हमने इसको डेसिमल को 3 डिजिट इधर 0 डिवाइड किया तो अब चैप्टर सेकंड विद्युत विभव तथा धारिता का क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हैं परीक्षा बोर्ड का। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहे हैं? 27 बूंदे हैं, छोटी छोटी 27 किसी लिक्विड की या द्रव की बूंदे हैं जिनसे मिलाकर एक बड़ा गोला बनाया जा रहा है और बोला जाता है कि प्रत्येक छोटी बूंद पर जो आवेश है वो एक समान है। मतलब अगर मान लो 1 पर क्यू है तो पूरी 27 पर कितना है? क्यू के उलट है। तो वो ये बोल रहे हैं कि जो बड़ा गोला बना है उसकी धारिता पहले वाले दूसरे जो छोटे छोटे गोले है उसकी कितना गुना होगी, कितने टाइम्स होगी। तो देखो बच्चों, इसके लिए आपने क्या किया? दोनों का आयतन, ये बड़े गोले का आयतन कर लिया हमने, ये छोटे गोले जितने 27 है उसका आयतन कर लिया। तो बड़े गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। तो 4/3 π, बड़े गोले की रेडियस को हमने क्या ले लिया? r, कैपिटल r। तो ये क्यूब और छोटे गोले का आयतन क्या होगा? 4/3 π, स्मॉल r क्यूब। लेकिन ये 27
गोलों से 27 छोटे छोटे गोले से बना, तो 27 से गुणा कर दिया। जब इसको हमने क्या किया, दोनों साइड कैंसिल कर दिया, 4 बटे 3 इधर भी था, 4 बटे 3 ये भी कैंसिल हो गया, पाई इधर भी था, पाई इधर भी कैंसिल हो गया, तो ये r r की पावर की और ये स्मॉल r की पावर को हमने इधर ले आए, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल r की घात भी 3 है और स्मॉल r की घात भी 3 है, और इधर कितना था 27। जब हमने कैपिटल r और स्मॉल r का मान निकाला तो ये कितना आ गया 3/1, जैसा कि आपको ये सॉल्व करना आता ही है, तो ये कितना आ गया 3/1। उसके बाद में हमें पता है संधारित्र की बात कर रहे हैं तो हम गोले के संधारित्र की बात करें, गोलीय संधारित्र है और गोलीय संधारित्र का फार्मूला क्या होता है, सी बराबर 4πε0r। अब ये सी समानुपाती है किसके त्रिज्या का, तो ये बड़े गोले का धारिता निकली, ये छोटे गोले की धारिता निकली, तो r / r2 कर दिया। अब बड़े गोले का त्रिज्या क्या थी, r की जगह क्या था, कैपिटल r, कैपिटल r लिख लिया, छोटे गोले की त्रिज्या क्या थी, स्मॉल r, तो r2 की जगह क्या लिख लिया, r, और दोनों का अनुपात कितना था 3। तो ये बड़े गोले का ऊपर है तो c1 को ये रहने दिया और ये c2 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितने गुना हो गई, 3 गुना। मतलब जब जो बड़ा गोला बना है उसकी धारिता 3 गुना बढ़ जाएगी, तो 27 का इंटीग्रल थी उससे। आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू।